ऐसा ना बहुत रेयर होता है जब तुम्हें परफेक्ट मॉर्निंग देखने के लिए मिलती है। लाइक सब कुछ टाइम पे चल रहा होता है, तुम जल्दी उठ जाते हो, तुम्हारी नींद भी खुल जाती है और अचानक से तुम्हारा मन करता है कि चलो आज पार्क होके आते हैं। देखो काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं इस पार्क में आया हूँ और ना इस पार्क में सही बताऊँ मेरे को ना ऐसा फील आता है जैसे मतलब मज़ा ही आ जाता है यार। सुबह सुबह का टाइम हो, ऐसा मस्त नज़ारा हो, नेचर हो, पहले व्लॉग के अंदर वॉइस ओवर करके डाल दिया हो, देन उसके बाद ये वाला शॉट लेने में भी एक अलग मज़ा है। एंड देखो मैंने आपको बोला था ना थोड़े टाइम पहले कि मैं रनिंग स्टार्ट करूँगा, खैर चल तो दो तीन दिन से रही है। मैं ये नहीं चाहता था कि मैं आप लोगों को जल्दीबाजी में बता दूँ कि मैं रनिंग कर रहा हूँ और दो दिन बाद फिर छोड़ दूँ। सो पहले मैं शेड्यूल बना रहा था कि हाँ यार एक्चुअली मैं प्रिपेयर हूँ या नहीं हूँ। सो मैं प्रिपेयर हूँ एंड अब मेरी रनिंग चल रही है मतलब डेली बेसिस पे, ऐसा नहीं कि कभी कभी। एंड अगर जिस दिन नहीं होती उस दिन मैं वॉक करके थोड़ा बहुत एक्सरसाइजिंग करके छोड़ देता हूँ। इवन अब तो ऐसा आना है कि थोड़ा सा वापस मेरे को लाइन पे आना है एंड बहुत ज़्यादा मैंने वेट गेन कर लिया है इस वाले लॉकडाउन में, इवन पिछले वाले लॉकडाउन से भी ज़्यादा। बाकी एनीवेज इंट्रो नहीं करा, सो हाय गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ व्लॉग्स। तो कैसे अपने भाई लोग, उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया ही होंगे। आज होगी 17 तारीख और सैटरडे का दिन है। सुबह सुबह उठ के पार्क में बस ऐसा घूमने फिरने आते हैं, हम रनिंग भी कर लेते हैं साथ के साथ थोड़ा बहुत जॉग वगैरह भी कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गूगल देव वो बोल रहे हैं कि आज 90% चांसेस है कि बारिश होने वाली है, तो मैं स्कूटी ले आया जो कि मैंने पार्क के बाहर खड़ी कर दी है ताकि जब बारिश आए तो मुझे घर जाने में थोड़ा इजी रहे, मैं कम भीगूं, अगर भीग भी जाएंगे तो एटलीस्ट घर जल्दी पहुंच जाएंगे। भाई जरा ना ये फ्रेम देखना, ये मैं एंगल ऊपर उठाऊंगा, भाई क्या नज़ारा लग रहा है। लाइक मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये पार्क में ना ऐसे ऐसे नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं, मतलब बहुत अनबिलीवेबल टाइप सा लगता है यार। एंड देखो जिस टाइम पे मैं आता हूँ ना इस पार्क में पूरा पार्क लिटरली खाली हो जाता है, क्योंकि मेरे को ना ऐसा है कि लोग उस ट्रैक पर रनिंग कर रहे होते हैं एंड मेरे को आदत है कि मैं ये जो ग्रास वाली लाइन है मैं इसके ऊपर रनिंग करता हूँ, स्प्रिंट करता हूँ। तो वहाँ जो गिलहरियाँ लड़ रही हैं, ये जो ट्री लगा हुआ है छोटा सा ऐसा समझ लो, यहाँ से ये पूरी लाइन निकल रही है एंड जहाँ पे वो ट्रैक मिल रहा है ना ये वहाँ तक, ये मेरा एक्चुअली रनिंग पॉइंट रहता है। मैं एक तरफ स्प्रिंट करके भागता हूँ, देन एक तरफ वॉक करके आता हूँ, देन अगेन स्प्रिंट करके जाता हूँ। तो ऐसा मुझे एक बेनिफिट रहता है कि हाँ मेरा स्प्रिंट भी जाता है साथ में वॉक भी जाता है, नहीं तो मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ जब ट्रैक पर मारता हूँ ना मेरा माइंड थक जाता है कि हाँ यार सन्नी इतना तूने एक ट्रैक का चक्कर मार लिया, अब रहने तेरे से अब नहीं होगा। और देखो मैं आज घर से सोच के आया हूँ कि जब मैं रनिंग करूँगा उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा कुछ, क्योंकि भाई देखो आज मेरा मोर फोकस रनिंग पे रहेगा। बाकी अभी रनिंग वनिंग थोड़ा सा खत्म करते हैं, बाकी आप लोग को सीधा घर जाके मिलेंगे। देखो अभी टाइम हो रहा है 8:35, आया था तब हो रहा था 7:20, मतलब आज ज़्यादा तो नहीं करी खैर, बट थोड़ा बहुत रनिंग करके मैं जा रहा हूँ घर पे, एकदम ठीक था, नहीं तो अभी तक तो मैं पूरा पसीना पसीना जाता हूँ। देखो जस्ट ऐड अ लेमन, अ हैंडफुल ऑफ पुदीना, आइस एंड एट द एंड पानी, सबसे एंड में करना है इसको ब्लेंड। देखो ऐड सम हनी इफ यू हैव, मेरे पास नहीं है, मेरी वाली खत्म होगी तो मैंने शुगर फ्री के 2 ड्रॉप डाल दिए हैं। देखो एंड इट्स रेडी, बाकी सब सो रहे हैं, दादी जाग रहे हैं। कैसा बना दादी, अच्छा लग रहा है ना? ठीक, मस्त लग रहा है, ये तो ऐसा रिफ्रेशिंग सा है, थोड़ा कड़वा है बट अच्छा लग रहा है। ये बिल्लू है, ये बिल्लू यहाँ पे सारा दिन बैठा था। ओए ओ बिल्लू, बिल्लू इधर पीछे, ये रहा बिल्लू, ये बैठा बिल्लू, भाग रहा है बिल्लू, भाग रहा है, ये गया बिल्लू। गोल्डी एक दियो, थैंक यू भाई। मेरी स्कूटी का फ्यूल खत्म हो गया था, मैंने गोल्डी को बुलाया कि भाई तो अपनी स्कूटी लिया, थोड़ा लात लगा लेंगे, और अब वो फ्यूल डलवाने गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया आज। कुमार के कुमार देखो उन बच्चों ने मेरे को ये जामुन दिए, वैसे उठा मैं काफी सारे सकता था बट मैंने 2 ही उठाए। उनकी खुद की लड़ाई चल रही थी कि भाई मुझे दो दे, फिर मैं 2 लेके आ गया, जस्ट चेक कर दे कैसा है यार। ओके यार तो क्या ही आगे दे जामुन, क्यों बकवास है, अबे इतना अच्छा लगा तोड़ दे जाके, वेस्ट कर दिया तूने यार, यहां पेड़ लगा तोड़ दे जाके। चलो कितनी देर लगेगी, कितना, आधा घंटा 1 घंटा करके दे दी मेरे को, लगे
अपने भाई की साइकिल उठा के ले आया। खैर मेरी आने में थोड़ा सा मेरे को टाइम लग जाएगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, मैक्सिमम 2 वीक्स। यार साइकिलिंग करने में मज़ा आता ही है मेरे को, अब पता लग रहा है। बट राइट नाउ अभी ये कुछ 7th 8th गियर पे चल रही है एक साइड से, और एक साइड से फर्स्ट सेकंड पे है। ये चीज़ भी सीख जाएंगे धीरे धीरे यार। देखो कल आपको व्लॉग में मैंने दिखाया था कि हम लोग ने ऐसा ये गोल्डन प्ले बटन बनाया था, जो कि फर्स्ट कॉपी हमने ऐसा सदर बाजार वाला ही समझ लो। और अभी जस्सी कर रहा है ड्रिल ताकि ये लग पाए। आराम से करना, ज्यादा लंबा होल मत करना। हाँ तेरे को मैंने निशान लगा के दिया। अपने निशाने से बिगड़ गए हो आप। अरे तो थोड़ा इधर करके लगेगा भाई, थोड़ा जोर दे के दे अंदर अंदर और थोड़ा सा बस भाई, थोड़ा मोटा ही करना पड़ेगा इसका, वो गिट्टी जाएगी। हाँ तो उसको जान देना एक थोड़ा अपना वो आगे हाइट ले लेगा वो। भाई तू पक्का आज कोई ना कोई नुकसान करेगा, मेरे को ऐसा फील आ रहा है। ठीक है अब एक और होल करना साइड में थोड़ा। ग्रेट जॉब। नाउ लाए दिस पेज एंड इन उते टांग दी। इतना पेज का सिस्टम छेद है किधर है? बेटे मौज का है, बेटे मौज कर दी है। अब हमें छेद होएगा भी नहीं। हो जाएगा। ये क्या बना है? ये रैन ने दोनों तोड़ेगा। अरे नहीं होए, दोनों तोड़ेगा यार जैसी यार। उसको निकाल और थोड़ा गैप देके राइट साइड पे लगा लेना। मुझे कर देते हैं थोड़ा। दिमाग कम चलाया कर थोड़ा। एक काम करने दे, एक पिच को इधर कर दे। अबे रैन इधर को मैं जितना बोल रहा हूँ ना उसको बाहर निकाल। अब वो तो मैंने ठोक के इधर कर दिया। तू बेटा उसका स्कूटर चला दे। तू क्या कर रहा है यार जैसी भाई? मम्मी ने देख लिया ना अगर ये ब्लॉग तू खत्म है फिर। व्हाट इज द जुगाड़ इज द? तूने कील टेढ़ी लगाई तो मैं इसको हाइट एडजस्ट करने के लिए इधर हल्का सा पेपर लगा रहा हूँ। इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए ये टेक्निक। भाई विश्वास मानो लग नहीं रहा है कि वो एक फेक प्ले बटन है। भाई कौन ही कहेगा इसको एक फेक प्ले बटन। अभी जस्सी को रिवॉर्ड देना उसका मैंगो शेक बना के, भाई को बना के पिलाते हैं। बट उससे पहले थोड़ा एरिया साफ करने दो फिर सही लगेगा। देखो मैं उधर मैंगो शेक बना रहा था और इतनी देर में बाहर बारिश आ चुकी है बहुत गलत वाली। एंड बस ये कल के दिन चाहिए अपने को बारिश, क्योंकि कल जहाँ इवेंट में जा रहा हूँ ना, कल जिस जगह पे जाना है वहाँ बारिश जरूरी है। आज बारिश की खैर जरूरत नहीं थी बट मिल गई फ्री में, तो अपने को लग रहा है कि चांसेस बढ़ रहे हैं भाई बारिश आने के। एंड मैंगो शेक इज रेडी, जैसे ही बाहर गया है तब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं इसको निकालूंगा नहीं। एंड ये वाली बर्फ में ना एक बहुत तगड़ी प्रॉब्लम थी। एक होती है बर्फ, एक होती पता नहीं ये क्या ही चीज़ है, ये पता नहीं कैसी बर्फ बन चुकी है कि मेरे हाथ पे चिपक रही है ये। मैं इसको एक सेकंड के लिए टॉवल पे रखा इसको, पर पूरा टॉवल इसके नीचे सब लग गया भाई। ये कील ठोकने का रिवॉर्ड मिला तेरे को? हाँ बस यही। ये आज तक का मैंने बेस्ट बनाया। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। बाकी एक कमेंट मैंने सोचा था कि चलो आज के व्लॉग में कमेंट पढ़ देते हैं। तो लास्ट व्लॉग से मैंने कमेंट उठाया जो कि वरुण टंडन भाई का है। वो बोल रहे भाई जी आपके लाइक बहुत कम आ रहे हैं, पहले 20K और 30K आते थे और सब्सक्राइबर भी कम हो रहे हैं। बिग फैन ब्रो, लव फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो भाई मैं यही रिप्लाई करूंगा कि अभी जितने लोग देख रहे हो ना वो देखते रहो, वो मत छोड़ना। अगर वो छोड़ देंगे तो मेरी होप छूट जाएगी। तो आप लोग देखते रहो, नए लोगों को हम धीरे धीरे ही सही बट जोड़ लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देख के लव यू, बाय बाय, टेक केयर। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे जाके फॉलो कर सकते हो अगर आप लोग चाहते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको और भी कॉन्टेंट देखना है। बाय बाय, टेक केयर।